हेलो, वेलकम टू कंपटीशन। हम अभी हम बात करने वाले हैं 6 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है CHSL का सेकंड शिफ्ट की, उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन हब को, या फिर हमारे फेसबुक पेज को कंपटीशन HU लिख के फॉलो या लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आई तो शेयर बिल्कुल कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेट हों आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन एक आया है, सबसे पहले डिस्कस कर लें ओवरऑल एग्ज़ाम के बारे में। तो सारा का सारा आपका एग्ज़ाम वैसा ही है जैसा अभी तक आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। बस जो GK है थोड़ी सी मॉडरेट लेवल, उसके कुछ क्वेश्चन का आना स्टार्ट हो गया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। अदर नेम ऑफ गौतम बुद्ध, इस टाइप का क्वेश्चन आया। गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या है सभी को पता होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग सोडियम। तो ये जो ऑप्शन होंगे तो आप बिल्कुल टिक लगा सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। और ये बात कही जाए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। 74th अमेंडमेंट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। 73 भी आप याद रखिएगा, 73 आपका जो अमेंडमेंट होता है वो पंचायती राज से है, आपका अमेंडमेंट है। ठीक है, अब वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्बिट डिस्टेंस इन द सोलर सिस्टम, एक फिजिक्स का ये क्वेश्चन आया है। ये प्रीवियस ईयर के एक तरीके से क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका ये है ऑर्बिट डिस्टेंस है सोलर सिस्टम का। अब एक और क्वेश्चन आया है MS, मतलब ये कैलकुलेशन निकालोगे तो आप किसकी क्या होगी, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर पर आर, इस टाइप से। आज एक मॉर्निंग में भी क्वेश्चन आया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, इस टाइप से एक क्वेश्चन था, मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपके इसमें आ जाएगी बाद में। ठीक है, अब और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। अब एक आया, सूरदास कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी लिटरेचर में, तो कौन सी यूज़ करते थे, ये आपके सामने ऑप्शन हमारे पास आ नहीं पाए हैं। ठीक है, अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमें मिले हैं। ठीक है, वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरोबिक एंड अनएरोबिक, ये साइंस का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और वन क्वेश्चन एक रिलेटेड है, अदर कंट्री विच लॉन्च द फर्स्ट एयरक्राफ्ट, ये आपका ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट था जिसे पहली बार लॉन्च किया था, फर्स्ट एयरक्राफ्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया था। इस टाइप के बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है अभी तक ये। ठीक है, श्रीलंका से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा। ऑफिशियली नेम क्या है श्रीलंका का, ऑप्शन देख के आप बिल्कुल बता देंगे। एक GDP के बारे में जरूर देख लीजिएगा, GDP का कल भी एक क्वेश्चन आया था 5 मार्च को, और 6 मार्च को भी क्वेश्चन आया है, GDP ऑफ द ईयर 2016 एंड 2017। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका है योजना से है, ऑप्शन वर गिवन। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, योजना के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, मतलब मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा उसको, और आज ही अपलोड कर दूंगा। तो वो वीडियो में बस मैंने जो आपको डिटेल थोड़ी सी उसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी कि इस योजना किससे रिलेटेड है। अभी एक करोड़ वगैरह की ये चीज़ भी पूछने लगे तो थोड़ी डाउटफुल है। ठीक है, ये स्कीम्स वगैरह है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट कीजिए आप, इस टाइप का आज का एग्ज़ाम आया है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बिल्कुल शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच टू गिव ए वैल्यूएबल टाइम।